लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी कार और उसमें पड़ी महिला का शव। घर के अंदर एक बच्चा लगातार रोता जा रहा था और पड़ोसी बच्चे की करुणा भरी स्वर काफी देर से सुन रहे थे। कुछ देर बाद जब पड़ोसियों से रहा नहीं गया तब वो आसपास के लोग घर के पास पहुंचे, जहां पड़ोसियों ने जो देखा वो किसी को भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि कार में CDRI में टेक्नीशियन पद पर तैनात वर्षा सिंह की लाश पड़ी हुई थी। वर्षा की मौत से हैरान पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मिस्ट्री से पर्दा उठाने में जुट गई। घटना के दो दिन बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर जो खुलासा किया है वो विश्वास का गला घोट देने वाला है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति विश्वेंद्र सिंह है। जानकीपुरम थाने में एक महिला का जो मृत्यु हो गई थी उस संबंध में पंचायत थाना दर्ज के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। तो महिला के जो मायके वाले ने आके उनकी हस्बैंड और उनके परिवार वाले के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है 304B के अंतर्गत। तो इसको जो हस्बैंड है मृतका की हस्बैंड उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है और बाकी जो विवेचना चल रहे हैं साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार की जाएगी। बताया जा रहा है कि मूल रूप से मऊ की रहने वाली वर्षा सिंह की शादी बरेली निवासी विश्वेंद्र के साथ हुई। दोनों का 2 साल का बेटा है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। बताया ये भी जा रहा है कि वर्षा और विश्वेंद्र में आए दिन किसी बात को लेकर लड़ाई भी होती रहती थी। पड़ोसियों के मुताबिक सोमवार को विश्वेंद्र वर्षा की बीमारी की बात कहकर उसे कार से अस्पताल ले गया था, जो रात को करीब 9 बजे लौटा था और कार को घर के बाहर पार्क कर फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की तह तक जाने में जुट गई है, जहां हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए नरसिंह नारायण पांडे की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।